क्या चीन का आंकड़ा फर्जी है, पूर्णतः गलत है? इस पर पिछली बार भी बात हो चुकी है और पिछले बार भी बात किए हैं। अब अमेरिका की कई एजेंसियां, ब्लूमबर्ग, CIA जैसे कई जो रिपोर्ट अमेरिका को जासूसी करके भेजते हैं, उसके अंतर्गत अब व्हाइट हाउस से भी यह खबरें तेज हो गई है कि क्या चीन आंकड़े फर्जी दुनिया के सामने जाहिर किया था। जी हाँ, नमस्कार, झकास भारत से मैं रविकांत। जैसा कि जानते हैं कि कोरोना मरीज अभी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, आप लोगों तक यह रिपोर्ट पहुंचते पहुंचते कोरोना पॉजिटिव 11 लाख संख्या हो जाएगी और मौतें भी 58,000 से ऊपर हो जाएंगे। अभी 57,463 का आंकड़ा मिला था और कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,73,000 कुछ संख्याएं मिली थी। आंकड़े में फेरबदल होते रहेंगी, मगर 11 लाख आंकड़ा है कि आज रात तक पहुंच जाएगा या कल सुबह तक, हम यह देखेंगे। जैसा कि सारी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, इटली सबसे ज़्यादा त्रासदी झेली, वहां पर 1 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव हैं। अमेरिका में 2.5 लाख से ऊपर चले गए हैं, 2.75 लाख के आसपास हो गए हैं और अमेरिका में मरने वाले की संख्या भी 6500 हो गई है और इटली में 15,000 पहुँच चुकी है, 14,800 से ऊपर जा चुकी है। हम देखते हैं कि उसी प्रकार से फ्रांस हो या जर्मनी में जो आंकड़ा जो जिस बेतहाशा ढंग से बढ़ रही है, वह कोरोना पॉजिटिव में टॉप 5 में आ चुकी है। 1 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव में 3 देश हैं, इटली, स्पेन, अमेरिका, और अभी चाइना जो है वह पीछे है। हम सभी उसके वजह पे बात करेंगे। फ्रांस, जहाँ पर भी काफ़ी मौतें हो चुकी है, और जर्मनी जो तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ ग्राफ जहाँ पर रुका हुआ था, 1200 से ऊपर अभी मौतें दिखाई जा रही है। भारत में 3000 की आंकड़ा पार कर गए हैं और 84 मरीजों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। जी हाँ, चाइना क्या गलत आंकड़े दे रहा है? ऐसी कई रिपोर्ट है पुख्ता, जिससे चाइना संदेह के घेरे में है। क्या पुलिस प्रशासन ने वहाँ की आंकड़े छुपाने में मदद की? लिव एंड यांग जो दिसंबर में जो बहुत बड़े वायरस की बात कर रहे थे, उन्हें किस किस प्रकार से और किस हिसाब से चुप करा दिया गया कि अगर आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो? ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है चाइना से। चाइना की मीडिया रिपोर्ट तो नहीं बता सकती, मगर कई खुफिया एजेंसी अलग अलग देशों की काम करती है, वहाँ से यह खबरें लीक होती है और तब जाकर पहुँचती है। हम सभी काफ़ी बेहतर हैं कि अपने देश में कहीं से और कुछ भी कहने का मादा रखते हैं। यहाँ की चुनी हुई सरकार अगर कोई संविधान और कानून बनाए तो उसका भी हम विरोध करते हैं, मगर चाइना में वैसी बातें नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी जानते हैं, और अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है, मगर चाइना में मीडिया उतना स्वतंत्र नहीं है, यह भी हम सभी जानते हैं। जैसा कि चाइना के न्यूज़ एजेंसी कैक्सन की रिपोर्ट के हिसाब से यह भी बातें आई कि जो डेड बॉडी लेने वाले लोग आ रहे हैं और उसके पात्र जो ज़्यादा संख्याएं बढ़ रही है, तो वुहान में 2,565 मौत से ज़्यादा मौतें हुई है। तभी वो हजारों हजार की संख्या में बताया जा रहा है कि इससे हजारों की संख्या में ज़्यादा मौतें हुई है। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से कैक्सन की रिपोर्ट में ये बातें पाई गई है। और जो लिव एंड लियांग की बातें थी, जो दिसंबर में पुलिस प्रशासन के द्वारा जब उन्होंने बड़े वायरस का नाम लिया कि ये ज़्यादा त्रासदी मचा सकती है, उनका फरवरी में देहांत हो गया, उस पर भी काफ़ी सोशल साइटों से लेकर तमाम राजनीतिक गलियों से लेकर बड़े बड़े देशों में और बड़े बड़े चिंतकों ने इस पर भी संदेह जाहिर किया है। लिव एंड यांग की मौत पर, और जैसा कि कल 4 अप्रैल को चाइना में राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया जाएगा, उन 14 जो कोरोना वायरस से मरे हैं लड़ते लड़ते जो डॉक्टर, उनमें लीव एंड लियांग के लिए भी 3 मिनट का मौन रखा जाएगा कल 10 बजे। और जैसा कि चाइना पर शक की नज़रें तेज हो गई है, क्या प्रशासन ने इसलिए छुपाया था कि चीन का विश्व में आपदा कम होगा? जहाँ जहाँ पर चीन का स्थान है, जो एक स्थान बनाकर दुनिया में अपने प्रभुत्व मनवाने के लिए तैयार रहता है चीन, क्या अमेरिका और रूस जैसे देशों के सामने कहीं छोटा न पड़ जाएं कि हमारे देश में इतने मौत हुए, ये आंकड़ा आखिर चीन ने गलत क्यों दिया? अगर यह आंकड़ा
सही देता, शायद चीन को आंकड़ा नहीं पता हो, मगर इतनी बेतहाशा ढंग से जिस हिसाब से मौतें होने की खबरें आ रही है, जो दबाई गई है या नहीं दबाई गई है, यह बातें अब कुछ ही समय में निकल कर सामने आएगी, क्योंकि व्हाइट हाउस और ट्रंप की एजेंसी CIA जैसी एजेंसियां अमेरिका की दुनिया की तमाम जगहों पर ये पहुंची रहती है और ऐसे गुप्त सूचनाएं वो अमेरिका में देती है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ट्रंप को पहले ही हिदायत दी थी और ट्रंप को पहले ही काफ़ी सारी जानकारियां अमेरिका में ये जाहिर कर दी थी। अगर लॉकडाउन जब चाइना ने किया, वुहान शहर में लॉकडाउन 23 जनवरी को किया, मगर उसकी जो वायरस का प्रभाव था, कहीं ना कहीं चाइना को भी यह पहले से मालूम होगा। वह दुनिया को इतने देर से क्यों जाहिर किया? शायद अगर पहले ये बातें पता होता तो सारे देश इसकी तैयारियां कर सकते थे इस वायरस से लड़ने का, और तमाम प्रकार के मेडिकल सुविधा संपन्न और बेहतर ढंग से सारा देश बना सकता था। मगर चाइना को एक बातें और थी कि उसकी विश्व में रुतबा न छिन जाए, इस कारण से भी वह बातें छुपाती चली गई और वहाँ के पुलिस प्रशासन और भी बातें छुपाती चली गई, कहीं ये छुपाएंगे तो ये सही होगा, ये छुपाएंगे तो ये सही होगा, ज़्यादा बताते रहेंगे तो दुनिया के मानचित्र पर हमारा एक गलत इमेज बनेगा। यही कारण रहा कि चाइना दुनिया के सामने आज बेनकाब होगा कुछ समय में, या हम सभी देखेंगे कि किस प्रकार से चाइना ने सारी दुनिया में इस वायरस को बढ़ावा देने में मदद की है। एक तरह से छुपाना भी मदद ही हुआ, क्योंकि दूसरे देशों को अगर आप नहीं बताएंगे बीमारी तो वहाँ भी फैलने की शंका और आशंका तेज होगी, और इतनी तेज होगी जिसकी गति हम सब समझ रहे हैं कि 11 लाख के आसपास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 58,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। यह संख्या कहाँ जाकर रुकेगी? जिस प्रकार और जिस हिसाब से पिछले 15 दिनों में यह आंकड़ा बढ़ा है, यह करोड़ों में भी यह संख्या जा सकता है। एक सप्ताह पहले 5 लाख से भी कम संख्या थी, मगर आज सीधे दुगना हो गई है। यह कहीं ना कहीं एक बड़े घातक बीमारी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट में डालने की बातें हैं, जिस पर से चीन पर्दा हटाने को तैयार नहीं था। एक बात है जो सचमुच व्हाइट हाउस से कही जा रही है, अगर चीन का आंकड़ा सही होता तो दुनिया को इतनी परेशानी नहीं होती। शायद असल संख्या अगर पुलिस प्रशासन बता देती तो चाइना में उसकी सजा भी मिल सकती थी। ली वेंड यांग, जिनकी मौत फरवरी में हुई, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाया भी गया था कि आप ऐसा मत कहिए वरना ऐसा हो जाएगा, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है। फिलहाल चीन अब कब बेनकाब होता है हम यह देखते हैं। वैसे चीन और भारत का संबंध कभी मिठास का नहीं रहा, हमेशा कड़वाहटों में रहा। चीन हमेशा दादागिरी और धौंस दिखाता रहा, मगर आज वह खुद ही फंस चुका है, और देखते हैं कि चीन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह झूठ बोला या फिर कुछ और कारण से दुनिया को फंसाने के लिए झूठ बोला। फिर चीन में ऐसे आंकड़े क्यों आ रहे हैं? अभी 6, 5, 4, 3, 2, 1 मौतें प्रत्येक दिन वहाँ हो रहे हैं, मगर जिस तेज़ी से और बेहिसाब से वहाँ संख्या बढ़ी थी, यह एक अपने आप में शक और शंका की तेज गहरा जाती है कि इटली में 15,000 मौतें हो जाती है और चीन के वुहान में 2,500 और चीन के तमाम शहरों में 3,300 के आसपास ही मौत का आंकड़ा कैसे भटकता है। अमेरिका में उससे दुगना मौतें हो जाती है, स्पेन में 10,000 से ज़्यादा मौतें हो जाती है, जर्मनी में 1,500 मौतें हो जाती है, मगर हम यह देखते हैं और समझते हैं कि 10 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां पर 1,000 मौतों से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। भारत में 3,000 से ऊपर है, मरने की संख्या 84 है। फिलहाल देखते रहिए झकास भारत, हम और भी ऐसे खबरें लाएंगे। चीन पर आज मेन फोकस था कि चीन कैसे बेनकाब होता है धीरे धीरे, और यह भी हम सब देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।